हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्टडी। सो आज हम करंट अफेयर्स करेंगे फॉर टू डेज, दैट इज़ फॉर 13th एंड 14th अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें एंड प्लीज़ वीडियोस को शेयर भी करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, निर्मला शेरोन जिनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है, ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? द करेक्ट आंसर इज स्प्रिंट। एंड ये इनका जन्म 15 जुलाई 1995 को हुआ एंड इनको 4 ईयर्स के लिए बैन कर दिया गया है बिकॉज शी इज़ एन फॉर द डोपिंग एंड फॉर द स्ट्रिप्ड ऑफ 2 टाइटल्स फ्रॉम द 2017 एशियन चैम्पियनशिप्स एंड ये 400 मीटर्स इवेंट के अंदर स्पेशलाइज्ड थी। एक्सरसाइज धर्म गार्जियन इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो धर्म गार्जियन होने जा रहा है बिटवीन इंडिया एंड जापान। ओके, ये एक एनुअल ट्रेनिंग इवेंट होगा विच इज़ बीइंग कंडक्टेड इन इंडिया सिंस 2018। कौन सी ट्राइब्स हैं जो मिज़ोरम आ रही हैं, त्रिपुरा से? एंड द करेक्ट आंसर इज़ ब्रू। ब्रू वो ट्राइब है जो कि थाउजेंड्स ऑफ ब्रू ट्राइब्स नाउ दे हैव स्टार्टेड रिटर्निंग टू मिज़ोरम फ्रॉम त्रिपुरा and they are living in the camps. Who among the following is the name of the first person who did a spacewalk in 1965 but died recently? तो उसका करेक्ट आंसर है एलेक्सी लियोनोव एंड ये फर्स्ट एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने वर्ल्ड के अंदर स्पेस वॉक किया था फॉर द 12 मिनट्स एंड रशिया से वो रशिया में उनकी डेथ हुई है। अभी वो 85 ईयर्स के थे। कौन से कंट्री ने 3000 ट्रूप्स सऊदी अरेबिया में सेंड किए हैं? सो द करेक्ट आंसर इज़ यूएसए। जो स्पेशल यूएस एनवॉय है दैट इज़ फॉर ईरान, ब्रायन हुक, उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि यूएस एडिशनल 3000, आपको पता होगा कि टर्की जो है उसने सीरिया पे अटैक किया है क्योंकि वहाँ से जो यूएस के जो मिलिट्री थी वो हटा ली गई थी एंड मे बी आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो अभी सऊदी अरेबिया के लिए ट्रूप्स को भेज दिया गया है लेकिन यहाँ पर मेन पॉइंट है टू प्रोवाइड द मोर सिक्योरिटी ऑफ ऑयल फैसिलिटीज़। चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले एंड ममल्लापुरम के अंदर वो मिले इन तमिलनाडु एंड दिस इज़ फॉर देयर सेकेंड इनफॉर्मल मीट। कहाँ पर 38th इंडिया कारपेट एक्सपो हेल्ड किया जाएगा? सो इट विल बी हेल्ड इन वाराणसी। विच हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर्स हिट 700 इन टेस्ट? तो टेस्ट में 700 बनाए हैं विराट कोहली ने। दिस इज़ द हाइएस्ट नंबर बाय एन इंडियन। एंड वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो सेलिब्रेट किया गया उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी मेंटल हेल्थ प्रमोशन एंड सुसाइड प्रिवेंशन। कद्री गोपाल नाथ क्या इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? एंड वो उनकी अभी डेथ हुई है सो वो बजाते थे सैक्सोफोन एंड मैंगलुरु में इनकी डेथ हुई है अभी। हु अमंग द फॉलोइंग प्लेयर्स विंस लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर्स? तो इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर्स के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है मिल्खा सिंह ने जो कि फ़िलहाल 92 एज के हैं। हु अमंग द फॉलोइंग अवार्डेड इंदिरा गांधी अवार्ड? इंदिरा गांधी अवार्ड किसको दिया गया है फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन फॉर द ईयर्स 2017 एंड 2018? द करेक्ट आंसर इज़ चंडी प्रसाद भट्ट। अबी अहमद जिन्हें नोबल पीस प्राइज़ मिला बिकॉज ऑफ रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट विद द नेबरिंग फियो एरिटेरिया, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो वो एथियोपिया से हैं एंड कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। इन जो भी आपकी एजेंसी आपको दिख रही होंगी इन चारों में से कौन सी वो एजेंसी है जो कि क्रिप्टो करेंसी के साथ ट्रांजेक्शन करने जा रही है? सो द करेक्ट आंसर इज़ यूनिसेफ। सरस आजीविका मेला इंडिया गेट लॉन्स के अंदर कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करेगी? फॉर सो द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नासा ने अभी एक सैटेलाइट लॉन्च की है जो कि आइनोस्फीयर को रीड करेगी, स्टडी करेगी एंड इस सैटेलाइट का नाम क्या है? इस सैटेलाइट का नाम है आइकॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट फीमेल गृहणी? गूगल ने अभी एक जो पहली वर्ल्ड की पूरी इंडिया की पहली फीमेल ग्रेजुएट ऑनर्स थी तो इनका नाम है कामिनी रॉय एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि ये पहली फीमेल ग्रेजुएट ऑनर्स थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रीसेंट डिक्लाइन इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन? तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर अभी डिक्लाइन पाया गया है 1.1%।
एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 13th अक्टूबर, ऑन विच डे वर्ल्ड ओबेसिटी डे इज सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड ओबेसिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है 11 अक्टूबर को. Now the current affairs of 14 October 2019 and the first question is Peter Gilchrist, जिन्होंने हाल ही में बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप जीती है, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? सो ही बिलोंग टू सिंगापुर, सिंगापुर से बिलोंग करते हैं. एंड मेलबर्न के अंदर उन्होंने मैंस बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप जीती है. नव जापान में एक टाइफून आया हुआ है जिसने बहुत तबाही मचाई हुई है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है हगी बीस. तजेंद्र पाल सिंह किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? तो तजेंद्र पाल सिंह शॉर्ट पुट से बिलोंग करते हैं. एंड इन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है बाय थ्रोइंग 20.92 मीटर इन रांची. पहले 20.75 था एंड अब इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है, दैट इज़ 20.92. लोकसभा स्पीकर इंडियन डेलीगेशन को बेलग्रेड लीड करेंगे. अभी जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं वो कौन है? सो द करेक्ट आंसर इज ओम बिरला. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इंडियन डेलीगेशन को एट द असेंबली ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन इन बेलग्रेड सर्बिया वो लीड करेंगे एंड फ्रॉम 13 अक्टूबर टू 17 अक्टूबर. Which union ministry has launched a month-long exploratory open water rafting expedition Ganga Amantran Abhiyan? So the correct answer is Ministry of Jal Shakti. Ganga Amantran Abhiyan, ध्यान रखिएगा, Ganga Amantran Abhiyan जो है वो लॉन्च किया था जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने, जिसके अंदर गंगा को भी इंक्लूड किया गया एंड ओपन वाटर राफ्टिंग एंड कैकिंग. सो दिस ऑल गोइंग टू बी डन. वर्ल्ड माइग्रेटरी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड माइग्रेटरी डे को हम सेलिब्रेट करते हैं 12 अक्टूबर को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज सेलिब्रेटेड? सो इंटरनेशनल डे रिडक्शन फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सेलिब्रेट किया जाता है 13 अक्टूबर को एंड यू एन ऑब्जर्व दिस डे. ओके, एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज फर्स्ट ग्लोबल DXB चैलेंज इज गोइंग टू हेल्ड? तो पहला ग्लोबल DXB चैलेंज होने जा रहा है दुबई के अंदर. And this will a large gathering for creating young minds in the field of robotics and artificial intelligence. Who among the following is the critic, author and first female head of the prestigious Swedish Nobel's literature award body? So the correct is Sara Denius. सारा डेनियस जो कि लिटरेचर क्रिटिक हैं, ऑथर हैं एंड फर्स्ट फीमेल हेड है फॉर द प्रेस्टीजियस स्वीडिश नोबेल लिटरेचर अवार्ड बॉडी एंड शी हैज़ पास्ड अवे आफ्टर हैविंग सफर्ड फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर एंड शी वॉज 57. लेटेस्ट GDP ग्रोथ नापी गई है, एस्टिमेट की गई है बाय द इंडिया रेटिंग्स रिसर्च फॉर द ईयर 2019-20, सो 6.1 एस्टिमेट की है. कौन सी कंट्री पहला अपना ओलंपिक हॉस्पिटैलिटी हाउस बनाने जा रही है टोक्यो के अंदर? सो द करेक्ट आंसर इज इंडिया. गोवा की गवर्नमेंट ने जो ट्रेडिशनल डायल 100 सर्विस था उसको किस नंबर से बदल दिया है? द करेक्ट आंसर इज 112. किस प्रोफेशन से रॉबर्ट फॉस्टर बिलोंग करते हैं? सो ही इज एन एक्टर. किस कंट्री के अंदर इंडिया जो है वो ई टूरिस्ट सर्विस देगा फॉर द 5-year वैलिडिटी? सो द करेक्ट आंसर इज चाइना. एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द फर्स्ट एवर नेशनल हिंदी साइंस राइटर्स कॉन्फ्रेंस इज गोइंग टू बी हेल्ड या इट हैज़ स्टार्टेड? सो द करेक्ट आंसर इज लखनऊ. हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर? किसने लिखी है ये बुक अ सोरो बियॉन्ड ड्रीम्स? पीटर हैंड के, जिनको अभी नोबल प्राइज भी मिला है. Which of the following months is observed breast cancer awareness month? आपका celebrate होता है in October. कितने medals India ने जीते हैं in the World Youth Chess Championship? So the correct answer is 7. हजा अल मंसूरी जो कि एस्ट्रोनॉट बन गए हैं टू रिटर्न टू अर्थ आफ्टर स्टे एट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज USA. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द टोटल अमाउंट ऑफ इंडियन फॉरेन रिजर्व एट प्रेजेंट? तो अभी हमारे पास इंडियन फॉरेन रिजर्व है $437.83. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल.